हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हमने हिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके थे। आज हम यहाँ पर मेडिवल इंडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री हमने जैसे ही कंप्लीट किया, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे पीडीएफ के फॉर्म में। पीडीएफ भी आपको मिल चुका है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेडिवल इंडिया की बात करें, हम दो दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। आज का दिन रहेगा और एक नेक्स्ट वीडियो रहेगी, आपको मेडिवल इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज की वीडियो में अपलोड नहीं करना चाहता था, अपलोड मतलब आज की वीडियो में बनाना ही नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से टाइम करके यहाँ पर मैनेज करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपको देख के लग भी रहा होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेडिवल इंडिया की। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में और हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं वो सब कुछ हुआ कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की, जो 712 AD में यहाँ पर इंडिया में आते हैं, सिंधौली साइड में अटैक करते हैं और सिंध को जीत लेते हैं। इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको पता होगा इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो बहुत ज़्यादा सोना था, सबकी आंखें तो यहाँ पर थी ही थी, बट इनको कोई बहाना भी चाहिए था कि किस तरह से हम इंडिया में अटैक वगैरह करें। हालांकि तो अटैक करने के लिए बहाना नहीं चाहिए था, बट फिर भी ये कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा मिल जाए कि हम इंडिया में अटैक कर पाएँ। तो उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, बाद में भूलना चाहूँ, तो पहले मुस्लिम कौन थे जिन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था, वो थे मोहम्मद बिन कासिम। याद रखना कब किया था, 712 AD में याद किया था। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, नाम भी और डेट भी, आपके एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मुस्लिम इन्वेडर कौन थे, वो थे मोहम्मद बिन कासिम, इतना आपको समझ आ गया। अभी दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग नहीं हुई है, हम मुझे थोड़े से पीछे की स्टोरी समझ लें। होता क्या है कि अगर हम बात करें, पहले पहले आपने खलीफा सुना होगा, खिलाफत मूवमेंट तो आपने सुना ही होगा ना, कभी ना कभी हिस्ट्री में बचपन में पढ़ा होगा उसके बारे में। तो वहाँ पे आपने खलीफा वर्ड सुना होगा। खलीफा आप ऐसा कह सकते हो कि रिलीजियस लीडर वगैरह हो सकते हैं ना, आप उनको समझ सकते हो, उनको खलीफा बोलते हैं, ठीक है। तो उनके लिए गिफ्ट भेज जाते थे श्रीलंका वाली साइड से। तो जब वो गिफ्ट जाते थे तो ऑब्वियसली बात है शिप के थ्रू जाते होंगे। तो रास्ते में मतलब यहाँ से ना, जैसे वो शिप जा रहे होते तो रास्ते में कोई ना कोई लुटेरे वगैरह होते थे, तो वो चोरी कर लिया करते थे सामान। तो एक उनको मिल गया था कि हाँ, अब आप मैप देखोगे श्रीलंका देखो कहाँ पर है, और वो टर्कुली साइड में गिफ्ट जाया करते थे या उस तरफ जाया करते थे गिफ्ट वगैरह, तो इंडिया के पास से होकर निकला करते थे। तो यहाँ से वो लूट लेते थे गिफ्ट वगैरह को, जो भी शिप वगैरह होगी, तो उनको इंडिया में आने का मौका मिल गया। और वैसे सोने की चिड़िया थी। सबसे पहले अटैक कौन करता है, मुस्लिम इन्वेडर कौन आता है यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम आता है। कब आता है, 712 AD में आता है और सिंध को जीत लेता है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं महमूद गजनवी की बात करते हैं। महमूद गजनवी की बात करें, 998 AD में आता है और 1030 तक यहाँ पर रहता है। अब होता क्या है, ये महमूद गजनवी पहला ऐसा रूलर आप बोल सकते हो, इसको सुल्तान का टाइटल दिया गया था। तो सुल्तान का टाइटल किसको दिया गया था, महमूद गजनवी की हम बात करते हैं। अपने टाइम पीरियड पर ना, इसने 17 बार इंडिया में अटैक किया। अपने टाइम पीरियड पर 17 बार ये इंडिया को लूटने आया था, 17 बार, 17 times। पहली बार कब आया था, पहली बार आया था 1001 AD में, 1001 AD में पहली बार इसने इंडिया में आया था अटैक करने के लिए, मतलब लूटने के लिए आया था। सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए, सोना लग रहा है यहाँ का लूटना है। और सबसे फेमस कौन सा है, फर्स्ट टाइम आपको याद होना चाहिए पहली बार कब आया था, 1001 AD में। और सबसे जो फेमस रहता है ना, 16th time जब ये आया था ना, 1025 AD में, 1025 जब था AD था, तब इसका 16th attack था, जब वो इंडिया में लूटने के लिए आया था। और सोमनाथ जो टेम्पल है ना वहाँ पे गुजरात में, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 17 बार आया था, ठीक है। महमूद गजनवी की बात करें, इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है महमूद गोरी की बात करें। अब महमूद गोरी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे इसका जो नाम है ना पूरा, वो ये नाम है शहबुद्दीन मोहम्मद बिन सैम, इसका पूरा नाम है, बट शॉर्ट में आप मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हो। अभी जब आता है ना, तो इंडिया में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, ये बैटल वगैरह करता है वहाँ पे। बैटल कैसे करता है, अभी तक दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग नहीं हुई है, ये आता है पहले बैटल ऑफ गुजरात होती है, बैटल ऑफ गुजरात। चलो आपने तीन नाम कैसे याद रखने सीक्वेंस में, पहले कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम, फिर आया था गजनवी, फिर आया था गोरी। एक छोटी सी ट्रिक है, आप समझ सकते हो, आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हो। आप मोबाइल लोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले उसमें सिम डालोगे ना, तो कासिम आए, तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे, सिम डालोगे। मोबाइल में अपने सिम वगैरह डाल दी, सेटअप कर लिया, अब आप मोबाइल में कोई ना कोई मूवी भी देखोगे, तो कौन सी मूवी देखोगे, गजनी मूवी देखोगे। तो फ़ोन लिया, पहला सीक्वेंस आपने क्या किया, पहले सीक्वेंस आपने सिम ली, फिर आपने मूवी देखी, मूवी कौन सी देख ली, गजनी आपने मूवी देख ली। फिर यहाँ पर आपने कहा, हो गौर कलयुग आ गया है, कैसे कैसे इंसान यहाँ पर आ गए, 15-15 मिनट के बाद लोग बातें भूल जाते हैं, तो गौर कलयुग आ गया, तो ऐसे याद रख सकते हो। आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो, अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, इसलिए आपको बताया था।
तो पहले कौन आते हैं? मोहम्मद बिन कासिम, फिर आते हैं गजनवी, फिर आते हैं गोरी। इस तरह से सीक्वेंस को याद रख सकते हो। आपके एग्जाम में दिल्ली सल्तनत में ना सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बड़े आते हैं। दिल्ली सल्तनत की बात कर लो, ये अपने जो आगे आएगी मुगल एम्पायर की बात कर लो, मॉरन डेंसिटी की बात कर लो, हरिंका मगध एम्पायर की बात करो, सीक्वेंस में बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, पहला रूलर कौन था, लास्ट रूलर कौन था। तो इसलिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट हैं। देखो हमें होता क्या, जब भी हम किताबें पढ़ते हैं ना, कोई चीज़ वगैरह पढ़ा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर 3 पेज है ना तो 3 पेज में कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढते हैं और बाकी चीज़ें स्किप कर देते हैं। बट यहाँ पर मैं आपके लिए पहले ही वो चीज़ें जो चीज़ स्किप कर दी होती है ना, उनको स्किप करके पहले ही आपके लिए इतनी चीज़ें लेके आता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से कुछ भी स्किप नहीं करना, ठीक है? तो पहले जब आते हैं, बैटल ऑफ गुजरात होती है, कौन, हम किसकी बात करें, जब महमूद गोरी आते हैं। बैटल ऑफ गुजरात होती कब है? ये 1178 AD में होती है। तो यहाँ पे तब गुजरात में किंग कौन थे, गुजरात में कब तक किंग थे? भीम देविन। कहीं पर भीम लिखा होता है सिंपल, कहीं पर भीम देविन लिखा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, गुजरात की हम बात कर रहे हैं, बैटल ऑफ गुजरात है कहाँ पर हुई होगी? गुजरात में हुई होगी, इसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। गुजरात में तब किंग कौन थे? गुजरात में तब किंग कौन थे? गुजरात में किंग थे भीम देविन। अब मेरे को बताओ, छोटा भीम आप सभी ने देखा होगा, क्या भीम से कभी कोई जीतता है? क्या भीम से फाइनली कोई जीतता है? नहीं जीत सकते ना, तो इस भीम से कौन कैसे जीत सकता है? तो इसका मतलब ये भीम यहाँ पर जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है, और ऐसा हारता है कि दूसरी बार कभी भी वो गुजरात की तरफ नहीं जाता है। कब हम बात कर रहे हैं? बैटल ऑफ गुजरात की हुई कब थी? 1178 AD में। कैसे याद रख सकते हो? यह बैटल ऑफ गुजरात की बात करें, मोहम्मद गोरी की बात करें, वो क्या करने आया था? 1-1 करने आया था ना, 1-1 करने आया था। तो 1-1 याद रखना, 1-1 करने आया था। फिर जी हमारे पास 7th नंबर पर आता है, तो 117 लगा दो और 8 अपने से बना दो, तो 1178 पर लड़ाई होती है बैटल ऑफ गुजरात वाली। ऐसे शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप अपने से भी याद रख सकते हो। बैटल ऑफ गुजरात किस में होती है? मोहम्मद गोरी की बात करो और यहाँ पर भीम देविन की बात करो। जीतता कौन है? भीम देविन जीतता है। उसके बाद बैटल ऑफ तारिन होती है। पहले फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन होती है, वो थे 1191 AD में, किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। देखो आपको बताना चाहूँगा अभी टाइम क्या था, इस टाइम पीरियड पर क्या था। दिल्ली की बात करें, वहाँ पे राजपूत वगैरह थे, लेकिन राजपूत पहले काफ़ी टाइम तक उन्होंने यहाँ पे शासन वगैरह किया था, काफ़ी टाइम तक रूल वगैरह किया। लेकिन आपको पता ना, एक टाइम ऐसा आता जब उनके सक्सेसर जो हैं वो वीक आना स्टार्ट हो जाते हैं, सही से काम नहीं करते। तो राजपूत का भी अब ये हो गया था कि अब जो इस टाइम पीरियड पर किंग वगैरह थे ना, वो इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे, हाँ कुछ थे लेकिन कुछ नहीं थे, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना वीक हो गया था, वो पूरी तरह से बंटे हुए थे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह नहीं था, कई तरह की इस तरह की चीज़ें थी, जिसके कारण ऑब्वियस था कि उनका एम्पायर जो हट जाएगा रास्ते से। ठीक है, जब तक स्ट्रांग होगा तब तक टिका रहेगा, जब वीकनेस आ जाएगी तो किसी न किसी को पता लगेगा यहाँ पे वीकनेस ही है, तो वहाँ पे ओवर थ्रो करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जब हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तब दिल्ली में थे उस टाइम पीरियड पर। तो यहाँ पर पहले बैटल ऑफ तारिन होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन कब होती है? 1191 AD में आती है, किसके बीच में होती है? मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बार फिर से बैटल होती है 1192 में, एक साल के बाद गोरी फिर से आता है, और इस बार क्या होता है, इस बार पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, कैसे जीता है, जो भी सब धोखा वगैरह होता है वो हम नहीं जा रहे, बट यहाँ ये है कि पृथ्वीराज चौहान सेकंड टाइम पर नहीं जीत पाते। सेकंड टाइम पर कौन जीतता है? सेकंड टाइम पर ये मोहम्मद गोरी की बात करें, वो जीत जाते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक और बैटल होती है, कौन सी बैटल होती है? बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर कब होती है? 1194 में होती है। अब यहाँ पर कौन है? जयचंद की बात करें, ये भी राजपूत के किंग होते हैं, जयचंद, ये भी हार जाते हैं, यहाँ पर जयचंद भी हार जाता है, तो कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी। इस सीक्वेंस को कैसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रखना, बैटल ऑफ गुजरात हुई तो वहाँ पे तो आप याद रखो कि भीम के रिलेटेड, कि भीम से जीत गया। जब बैटल ऑफ गुजरात में वो हार गया था, मोहम्मद गोरी हार गया था, फिर वो ट्रेन लेकर आया था लड़ाई करने के लिए, आया नहीं था। मैं तारेन है ना, आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ कि ट्रेन लेकर आया था। तो उसके बाद कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ तारेन हुई थी। तो किसमें हुई थी? पृथ्वीराज चौहान आया था, पहली बार पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरी बार नहीं जीत पाए थे। उसके बाद बैटल ऑफ चंदावर हुई थी, तो चंदावर है ना, चांद यहाँ पर भी है, चांद यहाँ पर भी है, जयचंद है और चंद यहाँ पर भी है। तो बैटल ऑफ चंदावर किसके साथ हुई थी? जयचंद के साथ हुई थी, लेकिन जयचंद यहाँ पर नहीं जीत पाए थे, क्लियर हो गया। और लास्ट राजपूताना किंग थे। इसके बाद स्टार्टिंग होती है दिल्ली सल्तनत की, क्लियर हो गया। अब दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग की बात करें, देखो टाइम पीरियड क्या है, 1206 से लेके 1526 AD तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। इतने टाइम पीरियड तक ये चलती है, एक सेकंड, ठीक है, सब कुछ हो गया यहाँ पर। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें, 1206 से स्टार्ट होती है, 1526 AD तक यहाँ पर चलती है। कई सारी यहाँ पर डायनेस्टीज रहती हैं, जैसे हम बात करें स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ये सीक्वेंस है। जैसे हमने पढ़ा था ना मगध एम्पायर में कई सारी डायनेस्टीज पड़ी थी, वैसे सीक्वेंस आपको यहाँ पर भी याद रखने की, पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी, बाद में कौन सी डायनेस्टी आई थी। पहले आई थी स्लेव डायनेस्टी, फिर आई खिलजी डायनेस्टी, इनका टाइम पीरियड भी सामने आया, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी।
अभी डेंसिटीज है ना, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट सीक्वेंस आप कैसे याद रख सकते हो, एक आप ये याद सकते हो SKTSL, ये आप वर्ड याद रख सकते हो SKTSL, पहले एस स्लेव डेंसिटी, खिलजी डेंसिटी, तुगलक डेंसिटी, फिर सैयद डेंसिटी, सॉरी फिर लोदी डेंसिटी। तो पहले कौन सी आएगी, सबसे पहले स्लेव आएगी, फिर सैयद आएगी, तो SKTSL आप याद रख सकते हो। अगर इसमें कन्फ्यूजन रहता है तो वैसे मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री का ये रहता है कि बार बार चीज़ों को पढ़ते रहोगे ना, वैसे वो आपके माइंड में सब कुछ फिट हो जाता है, वैसे आप सब कुछ याद कर लेते हो, बट कंडीशन के रहती है आपको रिवाइज करना पड़ता है। या तो ऐसे याद रख लो, या तो ऐसे याद रख लो कि स्लेव था खिलजी, तुझ से बोल रहा हूँ लोधी, ठीक है, स्लेव था खिलजी, तुझ से बोल रहा हूँ लोधी, जैसे मर्जी आप याद रखो, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगता है। अब हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्लेव डेंसिटी के बारे में। स्लेव डेंसिटी क्या है, देखो स्लेव डेंसिटी की बात करें, इसके नाम स्लेव डेंसिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी थे ना, मैक्सिमम यहाँ पे गुलाम थे, और जिसके फाउंडर थे वो भी गुलाम ही थे। हम फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे बात करें ये दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डेंसिटी है, पहली डेंसिटी है, इसके फाउंडर रहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या, अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें ना, जो हमने बात की ना भाई मोहम्मद गोरी था, इसने इतने अटैक किए थे इंडिया में, इतनी बुरी तरह से लूट लिया था इंडिया को, और ये अपने वहाँ पे चला गया था वापस टर्क वाली साइड में। फर्स्ट मुस्लिम लीडर कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। पहले टर्क लीडर कौन थे जिन्होंने इंडिया में अटैक किया था, वो थे महमूद गजनवी। सेकंड टर्क लीडर कौन थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, वो थे मोहम्मद गोरी। क्लियर हो गया, वापस टर्की वाली साइड चले गए थे। अब क्या कर रहे हैं, इंडिया को बुरी तरह से लूट तो लिया था इन्होंने, तो चले गए थे यहाँ से। और पीछे अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, इसको गवर्नर बना के चले गए, कहा तो यहाँ पे संभाल मैं चला यहाँ से। जब वो चले गए फिर इसने सैयद डेंसिटी इसके नाम पे पड़ गई स्लेव डेंसिटी। स्लेव डेंसिटी क्यों, क्योंकि स्लेव था ये, इनका स्लेव भी था, और बाद में जब ये जा रहे थे, जब ये मोहम्मद गोरी जा रहा था, तो कहा चल तू स्लेव तो है लेकिन तू गवर्नर को बना दिया, अब इस जगह को संभाल तू। तो वहाँ से स्लेव डेंसिटी की स्टार्टिंग होती है। और हम बात करें इसको कई तरह के टाइटल भी दिए, अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के, मलिक भी कहा गया, लखबख्श भी कहा गया। लखबख्श क्योंकि दान बड़ा करता, लाखों का भी दान करता था, इसीलिए इसका नाम लखबख्श भी रखा गया था। तो कैपिटल कहाँ पर थी उस टाइम पीरियड पर, कैपिटल भी लाहौर में थी। याद रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके टाइम पीरियड पर कैपिटल कौन सी थी, इसके टाइम पीरियड पर कैपिटल कौन सी थी। तो पहले जब दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग की बात करें, कैपिटल कौन सी थी, कैपिटल जो थी वो लाहौर थी, इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद बात करें, अब ऑब्वियस ही बात है, जब मुस्लिम यहाँ पर आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो मस्जिद तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो जब ये यहाँ पर आता है तो दो मॉस्क यहाँ पर बनाता है, एक बनाता है कुवतुल इस्लाम दिल्ली में, और एक बनाता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। इतना क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा दो मस्जिद कौन सी बनाता है और कहाँ कहाँ बनाता है। उसके बाद हम बात करें कुतुब मीनार की बात करें, उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करता है। दोबारा से बताना चाहूँगा, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कौन स्टार्ट करवाता है, बनाता कौन है, कंप्लीट कौन करवाता है वो नहीं बोल रहा हूँ, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कौन स्टार्ट करवाता है, वो स्टार्ट करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये मत सोचना कि कुतुब मीनार है तो यहाँ पे कुतुब है तो अपने नाम पे वो सब कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की बात करें, एक सेंट थे, सूफी सेंट थे, उनके ऑनर में ये कुतुब मीनार जो है उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट करता है। और डेथ कब होती है, 1210 AD में हो जाती है। कैसे होती है, चौगान प्ले पोलो बोलते ना, पोलो ली गेम, वो खेलते खेलते डेथ हो जाती है। हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की। इतना क्लियर हो गया, इतना आपको समझ आ गया होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, या आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का समझ आ गया। आगे चलें, हम बात करते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं। ये फिर से कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम थे ना। आगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात करें, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था आगे से, ठीक है। हालांकि बाद में कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि ये जो है, जो इल्तुतमिश की बात करें, ये ऐबक का दामाद बन जाता है, सन इन लॉ बन जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन हम बात करें कुतुबुद्दीन का आगे बेटा कौन होता है, कुतुबुद्दीन का बेटा होता है आलम बख्श, कहीं कहीं आलम शाह भी कहा जाता है। बट इल्तुतमिश क्या करता है, जब ये सत्ता में आता है ना, ये इसको मार देता है, मतलब मारने के बाद अपने अंडर थ्रोन को कर लेता है। तभी मैंने कहा गेम ऑफ थ्रोन सीजन 3 अभी तक यहीं पे चल रहा है कि थ्रोन मुझे चाहिए मुझे चाहिए, उसके चक्कर में लड़ाई चलती रहती है। तो ये क्या करता है, ये इसको मार के अपने अंडर कर लेता है सब कुछ। ये भी स्लेव ही आपको मैंने बता दिया। अब ये क्या करता है, कैपिटल को कहाँ पे शिफ्ट कर देता है, ये कैपिटल को लेके जाता है दिल्ली वाले साइड में। आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ दिखता नहीं है ना, तो नोट्स का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे लिखने का पर्पस ये कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझा सकूँ, ताकि कभी आप, ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आप वीडियो डाउनलोड करके देख रख लोगे तो कभी आप वापस दोबारा से देखोगे, क्या पता कोई नोट्स वगैरह ना डाउनलोड कर पाए, तो मैं तभी सब चीज़ें यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ पर पहुँचे थे, हाँ कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट कर दी, पहले लाहौर थी, अब कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया, अब कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाता है दिल्ली वाले साइड में। इतना क्लियर हो गया। फिर हम बात करें सिल्वर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस करता है, कॉपर के कॉइन इंट्रोड्यूस करता है। सिल्वर के जो कॉइन्स थे उनका नाम रखा जाता है तनका, और कॉपर के जो इनका नाम रखा जाता है जित्तल, ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखने।
और 40 सिस्टम स्टार्ट करता है, 40 बोलता है ग्रुप ऑफ 40 को। ये 40 किसका ग्रुप होता था ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कि जो शमसुद्दीन तुतमिश की बात करें, इसने 40 एक सिस्टम स्टार्ट किया था, ये इसको चहलगानी भी कहते थे। तो ये 40 चहलगानी होता क्या है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो ऐबक ने स्टार्ट की थी उसे कौन कंप्लीट करता है, उसे तुतमिश कंप्लीट करता है। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है 1236 में इसकी भी डेथ हो जाती है, और कहाँ पे बरी किया जाता है, कुतुब कम्प्लेक्स की बात करें जो मेहरूण दिल्ली में है ना, वहाँ पे इनको बरी किया जाता है, दफनाया दिया जाता है। इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद होता क्या है, सीक्वेंस कैसे याद रखोगे, अब हम यहाँ पे कुतुब मीनार की बात करें ना, तो पहले कुतुब आ गया और इसमें टूटा भी आपको देखने को मिल रहा होगा, इतुतमिश में आपको टूट भी देखने को मिल रहा होगा, और सच में कुतुब मीनार की तरफ गए होगे तो आपको लगेगा हाँ वो टूटा सा हुआ है, खंडर सा बना हुआ है, ऊपर में थोड़ा सा टूटा वगैरह आपको देखने को मिलेगा, लगेगा ऐसा अगर आप गए हो वहाँ पर। तो ऐसे याद रख सकते हो कुतुब जो टूटा हुआ है, ठीक है। तो पहले कौन आया था, कुतुब आया था और बाद में इतुतमिश आया था, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज वगैरह आते हैं, ये कौन होता है, ये आगे इसका बेटा होता है। रुकनुद्दीन फिरोज की बात करें कौन है, ये शमसुद्दीन इतुतमिश का बेटा होता है। लेकिन आपको बताऊं रिजे सुल्तान कौन होती है, रिजे सुल्तान जो है इसकी बेटी होती है। इनको लगता है कि जो रियल मतलब है ना आगे गद्दी में बैठने के काबिल, जो है थ्रोन में बैठने के काबिल, जो है जो एबिलिटी रखते हैं वो है रिजे सुल्तान। तो ये रिजे सुल्तान को आगे सेलेक्ट करते थे कि हाँ अब आगे सारा काम जो है वो ये संभालेगी, ये सारे काम वगैरह संभालेगी, तो मैं इसके अंडर काम करना है। लेकिन आपको पता है कि हाँ कि लड़की कैसे वो कर सकती है सब कुछ, लड़की कैसे कंट्रोल करेगी, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती है, वो सब नहीं था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो वहाँ के लोग वगैरह होते हैं, जो भी नोबल्स वगैरह होते हैं, वो रुकनुद्दीन फिरोज की बात करें इसको किंग मानना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये हमारा राजा वगैरह सुल्तान है, ये सब कुछ चलाएगा, तो ये लड़की वगैरह कुछ नहीं कर सकती। बट हाँ जो भी है, जो रिजे सुल्तान जो है इसको भगा देती है किसी न किसी तरीके से, और ये भाग भी जाता है और फिर यही रूल वगैरह करती है। और पहली सिर्फ पहली भी यही थी मुस्लिम लीडर और अकेली मुस्लिम लीडर थी जिसने यहाँ पे राज वगैरह किया था, वो कौन थी, वो थी रिजे सुल्तान, आपको नाम याद रखना है। फिर हो गया, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता बालबन आता है। ये बलबन बोलो या बालबन बोलो क्या करता है, जो चहलगानी सिस्टम था ना इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और इसको ज़िले इलाही का टाइटल दे जाता है। ज़िले इलाही का मतलब क्या होता है, ज़िले इलाही का मतलब होता है यहाँ पे शैडो ऑफ गॉड, ठीक है। और ये क्या करता है, जासूस भी रखता है अपने लिए, ठीक है, अपने आप को मतलब हमेशा वो करने के लिए अलर्ट रखने के लिए स्पाइस वगैरह भी यहाँ पे अपॉइंट वगैरह करता है। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, स्लेव डेंसिटी का क्या क्या सिस्टम था सारा कवर हो गया होगा। स्लेव डेंसिटी क्लियर हो गई, आगे चलते हैं हम खिलजी डेंसिटी की तरफ। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी की बात करें, वो कौन है, वो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हैं। इतना क्लियर हो गया, अब फाउंडर तो ठीक है, आगे हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी होता क्या है, ये इसका नेफ्यू होता है। जो फाउंडर थे ना जलालुद्दीन खिलजी, इनका भतीजा कौन होता है, इनका भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, और सीट के चक्कर में, किंग बनने के चक्कर में, रूलर बनने के चक्कर में ये अपने चाचा को मार देता है। क्लियर हो गया, तो अब किसके कंट्रोल में आ गया सब कुछ, रूलर कौन बन चुका है, अब रूलर बन गया अलाउद्दीन खिलजी। अब ये क्या करता है, ये ना परमानेंट आर्मी लेकर आता है। इससे पहले क्या था, जैसे हाँ ये सेकंड अलेक्जेंडर भी बनना चाहता है, ठीक है, अपने आप को वो बनाना चाहता था। ये परमानेंट आर्मी लेकर आता है, इससे पहले क्या था कि आर्मी इस तरह से रहती थी कि इतने ज़्यादा लोग तो आर्मी में होते नहीं थे, हाँ होते थे लेकिन वो परमानेंट नहीं होते थे। मतलब जैसे इंडिया वाले हम वो क्या करेंगे, अफगानिस्तान से कुछ लेकर आएंगे, अब हालांकि उस टाइम एक ही था, मैं आपको एग्जांपल देने की बता रहा हूँ कि इंडिया वाले अफगानिस्तान से जाएंगे, कुछ भूटान से जाएंगे, कुछ नेपाल से जाएंगे, उनको पैसे वगैरह दिया करते थे, तो इस तरह से चलता था। लेकिन इन्होंने परमानेंट आर्मी वगैरह लेकर आए थे, एक परमानेंट सेटलमेंट कर ली थी उस चीज़ की, दीवाने मुश्तका मतलब एक तरह के टैक्स वगैरह सिस्टम इन्होंने लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो दीवाने मुश्तका ये किसने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, ये हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। कई तरह के फोर्ट्स बनाए थे, जैसे अलाई फोर्ट की बात करें, अलाई दरवाज़ा की बात करें, जो एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का, वो सारे इन्होंने बनवाया था। और लास्ट किंग कौन थे खिलजी डायनेस्टी के, वो थे खुसराव खान, ठीक है। खुसरव कहीं पे खुसरव लिखा होता है, कहीं पे खुसराव खान लिखा होता है, जो भी है आपको समझ आ गया होगा। स्लेव डेंसिटी आपको क्लियर हो गया होगा, फिर खिलजी डेंसिटी भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत आपको समझ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करें तुगलक डेंसिटी की। तुगलक डेंसिटी पे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो इंस्टाग्राम वगैरह है, ट्विटर है, वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है, बट टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। अगर आपको नहीं ज्वाइन होता हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, हम वहाँ पे लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड डेंसिटी की तरफ, जो है हमारे पास तुगलक डेंसिटी, इनकी बात करें तो फाउंडर कौन थे, गियासुद्दीन तुगलक थे इनके फाउंडर। इतना क्लियर हो गया। अब गियासुद्दीन तुगलक तो थे, इनका नाम गाजी मलिक भी था, गाजी मलिक भी इन्हीं का नाम था, गियासुद्दीन तुगलक की जो मर्जी नाम हो, ये फाउंडर हैं, आपके एग्जाम में कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, ये आ सकता है या ये नाम आ सकता है, दोनों एक ही, ठीक है। जो लास्ट थे ना यहाँ पे खिलजी डेंसिटी के, लास्ट रूलर मैंने आपको बताया कौन थे, खुसराव खान थे, उनको ये गाजी मलिक मार देते हैं और नई डेंसिटी यहाँ पर लगाते हैं जिसका नाम है तुगलक डेंसिटी।
ठीक है, इनके बाद कौन आता है, पहले ये आ गए, इनके बाद आते हैं यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, ये कौन होते हैं, ये गाजी मलिक के आगे बेटे होते हैं और इनका नाम जुना खान भी रहता है। इनका नाम क्या रहता है, इनका नाम जुना खान भी रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक बोल दो या जुना खान बोल दो, एक ही नाम है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, कैपिटल को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, कैपिटल को देवागिरी वाली साइड शिफ्ट कर देते हैं और ये फिर से ब्रॉन्ज कॉइन जो है वो लेकर आते हैं और दीवाने कोले फिर से एक नया टैक्स सिस्टम यहाँ पर ये लेकर आते हैं, इसका नाम है दीवाने कोले। इतना क्लियर हो गया। आगे कौन आते हैं इनके बाद, इनके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, कौन होते हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जिनकी हमने बात की उनके ये कज़न होते हैं। अगर आपको लगता है ना नाम वगैरह में कितने सारे नाम कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया SKTSL, उसी तरह से आप बार बार पढ़ते जाओ और इनके भी ऐसे पहले पहले वर्ड के हिसाब से ना अपना एक पैटर्न बना लो और वो याद रख लो, ठीक है। बट बार बार जितना पढ़ोगे ना आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर सीक्वेंस में सब कुछ, और आपको समझ भी आ जाएगा। यहाँ पे कुछ समझ आपको नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, बट वहाँ पर समझ भी आ जाएगा। तो वहाँ से जितना पढ़ोगे ना, जितना पढ़ोगे उतना आपके दिमाग में चीज़ें स्ट्राइक करती जाएंगी। क्लियर हो गया। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, कज़न होते हैं और ये हक़ के शराब जिसको एग्रीकल्चर टैक्स भी कहते हैं वो इम्पोज करते हैं। और जौनपुर सिटी की बात करें, अपने जो भाई है ना जुना खान, इनकी मेमोरी में जौनपुर सिटी भी बना दें, ठीक है। ये नहीं सोचने कि जुना खान है तो जुना खान ने अपने नाम पे वो बनाया था, जुना खान का भाई था, कज़न था फिरोज शाह तुगलक, उसने इनकी मेमोरी में जौनपुर सिटी की अगर हम बात करें वो बनाई थी। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह कौन थे, लास्ट सुल्तान थे तुगलक डायनेस्टी के। स्लेव डायनेस्टी कम्प्लीट, खिलजी डायनेस्टी कम्प्लीट, तुगलक डायनेस्टी होगी कम्प्लीट। आगे चलते हैं, नई डेंसिटी थी सेल डेंसिटी, यहाँ पर आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, यहाँ पे बस याद रखना है इनके फाउंडर कौन थे, खिजराव खान थे, और लास्ट किंग कौन थे इनके, अलाउद्दीन आलम शाह थे लास्ट किंग। बस सेल डेंसिटी में आपको इतना ही याद रखना है, इससे आगे जानने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। इतना समझ आ गया मिडिवल इंडिया का, आपको पहले बेसिक समझ आ गया, स्लेव डेंसिटी समझ आ गया, तुगलक डेंसिटी समझ आ गया। अब हम चलेंगे लास्ट डेंसिटी की तरफ जिसका नाम है लोदी डेंसिटी। लोदी डेंसिटी क्या है, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, हम यहाँ पर टारगेट रख के चलते हैं 2000 लाइक वाला। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट जो हमने रखा है वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है जितना आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक क्या पता हमने हिस्ट्री कंप्लीट भी करवा दिया हो, तो एक बार जाके प्लेलिस्ट आके जरूर चेक करना, वहाँ पे आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी रीजनिंग की, इंग्लिश की, करंट अफेयर्स डेली हम डिस्कस क्या करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके काम की हैं, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ JKSSB के लिए सब पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे ना ये सब कुछ आपके वहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। लास्ट डेंसिटी अगर हम बात करें लोदी डेंसिटी की, तो यहाँ पे फाउंडर कौन थे इनके, इनके फाउंडर थे बहलोल लोदी। फाउंडर कौन थे, बहलोल लोदी, और पहले ये अफगान रूलर थे जो यहाँ पर आए थे, और कॉपर कॉइंस उन्होंने फिर से अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस वगैरह किए थे। फिर बहलोल लोदी का काम खत्म हो गया, इनके बाद कौन होते हैं, इनके बाद होते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कौन होते हैं, बहलोल लोदी के बेटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, इनका नाम निज़ाम खान भी रहता है, और कैपिटल को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, कैपिटल को ये शिफ्ट करते हैं आगरा वाले साइड, ठीक है। इनके अगर हम बात करें, ये फिर से क्या करते हैं, गज़ा सिकंदरी लेकर आते हैं। गज़ा सिकंदरी क्या होता है, लैंड मेजरमेंट का सिस्टम है, वो ये पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये नाम ना आपके एग्जाम में आते हैं, UPSC के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के नाम आते हैं कि पहली बार ये किसने इम्पोज किया था, पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था, इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो। और इन्होंने क्या किया था, जो भी मतलब इमेजेस थी ना वहाँ पे, आइडल्स वगैरह थे ज्वालामुखी टेम्पल में, वो सारे तोड़वा दिए थे, और ऑर्डर था कि जितने भी मंदिर वगैरह हैं मथुरा वगैरह वाले साइड उन सभी को ख़त्म कर दिया जाए। ये काम किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी जाता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आगे फिर से बेटा, बहलोल लोदी बेटा कौन था, सिकंदर लोदी बेटा कौन था, इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी की बात करें, इनके टाइम पीरियड पर क्या हुआ, पंजाब साइड की बात करें, वहाँ के गवर्नर थे दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी क्या करते हैं, वो बाबर को इनवाइट करते हैं कि तुम क्या करो, तुम इब्राहिम लोदी को यहाँ से हटा दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये काम कौन करता है, ये काम करता है जो पंजाब के गवर्नर है दौलत खान लोदी, कि हम क्या करेंगे, हम मिलके तो इब्राहिम लोदी को यहाँ से हटा देते हैं, फिर हम अपना शासन वगैरह चलाएंगे। तो फिर वो जब आता है यहाँ पे, हम बाबर की बात करें तो क्या होता है, फर्स्ट बैटल होती है पानीपत की, बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है, कब हुई थी, इसका आपको डेट भी याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526। 1526 तो आपको याद रखना ही रखना है, बट कब, 21 अप्रैल को होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो हम बात करें यहाँ पे इब्राहिम की बात करें, इब्राहिम वॉज डिफीटेड बाय बाबर। बाबर यहाँ पर जो है वो मतलब जीत जाता है, इब्राहिम जो है वो यहाँ पर हार जाता है।
इब्राहिम जैसे ही हारता है, बाबर जैसे ही जीतता है, तो यहाँ पर होता क्या है, बाबर जो है वो दिल्ली पे ऑब्वियस सी बात है ऑक्यूपाई कर लेगा, और आगरा को भी ऑक्यूपाई करके एक नई नींव रखता है, एक नई फाउंडेशन बोलने लगा था, एक नई फाउंडेशन वहाँ पर रख देता है, और उसके बाद एक नई सल्तनत वहाँ पर आते हैं, आप ऐसे कह सकते हो दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है और मुग़ल एम्पायर जो है वो यहाँ पर सामने आ जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मुग़ल एम्पायर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया मुग़ल एम्पायर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में होती है, हम बात करें दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डेंसिटी थी लोधी डेंसिटी, उसके जो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, सिंपल कहा जाए इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ाई होती है, और जीतता कौन है, जीतता है यहाँ पर इब्राहिम लोधी, तो हार गया बाबर जीत जाता है, और बाबर जैसे जीतता है वहाँ पर मुग़ल एम्पायर की स्थापना होती है। मुग़ल एम्पायर के बारे में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे और फिर हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट रहेगा ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। और देखो चला कितना था, पानीपत की बात करें पानीपत हरियाणा वाले साइड में आता है, तो पूरा ये मतलब थोड़ा दिल्ली से ना बाहर की तरफ आता है, तो दिल्ली में सेंटर में जाकर लड़ाई नहीं करता है ये, किसी तरह से इनको पानीपत में भुलाते हैं कि यहाँ पर आओ तो वहाँ पर लड़ाई करेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा मैदान आपको बता ऑब्वियसली बात होगा, तो वहाँ पर लड़ाई करते हैं, बिल्कुल सेंटर जोन में नहीं जाता, ठीक है। चलाकी वगैरह आते सारे जो भी है आपने कब तक डिटेल में पढ़ा भी उनके बारे में, तो ये ओवरव्यू था एक मिडिवल इंडिया की। जब हम बात करते हैं मिडिवल इंडिया का, दिल्ली सल्तनत का पहले का बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, राजपूत वगैरह थे, बाद में उनको बहाना मिल गया आने का, ये एंट्री वगैरह वहाँ पर करते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है, 5 तक की डायनेस्टीज़ हैं, एक एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, पहला रूलर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, क्या क्या हुआ था उनके टाइम पीरियड पर, ये समझना होता है, और यहाँ पर कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।